इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो निधिवन की सच्चाई के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। उन लोगों को लगता है कि निधिवन में जो रासलीला होने वाली जो बात है वो एक तरह का अंधविश्वास है जो लोगों के बीच में फैलाया गया है। लेकिन दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने तीन ऐसे लोगों की सच्ची दास्ता, सच्चा वाक्या लेकर आ गया हूं, जो लोग तीन लड़के निधिवन में प्रवेश किए थे, अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किए थे, उनके कैमरे में कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड हो गया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई, जिसके कारण वो तीनों लड़के खुद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के सामने 6 नवंबर सन 2021 का वो वाक्या लेकर आ गया हूं जिसके बारे में काफी सारे लोगों को जानकारी होगी भी और काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं भी होगी, क्योंकि वो वीडियो अभी इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। क्यों डिलीट हुआ, कैसे हुआ, ये सब को जानने के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग से बात सुननी होगी। दरअसल ये कहानी है अलीगढ़ में रहने वाले एक लड़के की, जो कि थोड़ी छुट्टियां मनाने के लिए अपने चाचा जी के घर जाने का प्लान कर लेता है। उस लड़के के चाचा जी वृंदावन के ही रहने वाले थे। जैसे ही वो लड़का वृंदावन में पहुंचता है, बातचीत करता है, दोस्तों यारों से मिलता है, तो पता चलता है कि वृंदावन में निधिवन नाम का एक वन है, वहां पर भगवान कृष्ण आज भी गोपियों संग रासलीला मनाने के लिए आते हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले रासलीला का मतलब क्लियर कर दूं। रासलीला मतलब होता है महानृत्य, जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग राधा संग किया करते थे। नृत्य, डांस एक तरह का कला थी वो, और कला में कभी कुछ गलत नहीं होता है। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। अब जब उस लड़के को अपने दोस्तों, यारों, अपने चाचा, अपने कजिन से पता चलता है कि निधिवन में आज भी रासलीला होती है, भगवान श्री कृष्ण आते हैं साक्षात, और उनके आने के बाद वहां पर कोई कदम भी नहीं रख सकता, तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। सोचता है कि मैं तो निधिवन में जाऊंगा, जो कुछ भी होगा खुद भी देखूंगा, दुनिया को भी दिखाऊंगा, अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तुरंत ही अपने तीन दोस्तों से बात करता है और वो तीन दोस्त तैयार हो भी जाते हैं। लेकिन जब तक ये लोग सफर तय करते हैं निधिवन तक का, पूरे रास्ते इसके दोस्त समझाते रहते हैं कि ठीक नहीं है, नहीं जाना चाहिए, जाए कि नहीं जाए, तीनों लोग मतलब किसी तरह के असमंजस में रहते हैं। फाइनली वो लोग निधिवन के उस क्षेत्र के सामने पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, अब अचानक से वो कहता है कि एक दोस्त को, तू गाड़ी में रुक, हम तीनों जाते हैं निधिवन का कोई रास्ता ढूंढते हैं, और दीवार से छलांग मार देंगे या फिर कोई गड्ढा वड्ढा होगा उसके अंदर से घुस जाएंगे और हम वन के अंदर से सब कुछ देख के आएंगे। हम लोग फोन करेंगे तो रेडी रहना, गाड़ी निकाल के तुरंत भाग जाना। ये कहीं ना कहीं ये लड़का भी घबराया हुआ था, सबने बताए थे, रास्ते में एक आदमी भी मिला था जो इस जगह के बारे में जानकारी दे रहा था, उसने भी बताया था भाई कि अगर गए तो बच नहीं पाओगे, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने से मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग पागल हो चुके हैं, कुछ लोग गंदे हो चुके हैं, कुछ लोग गूंगे हो चुके हैं, फिर भी इसको जाना था, पूरी दुनिया को दिखाना था, एक्सपीरियंस जो करना था। अब क्या होता है, एक दोस्त को गाड़ी में छोड़ दिया जाता है और ये तीनों लोग निधिवन की एक ऐसी दीवार ढूंढी लेते हैं जो दीवार हाइट में छोटी थी, उस दीवार को फांद कर ये लोग निधिवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही उन्हें सामने वो पेड़ दिखाई देते हैं, टेढ़े मेढ़े निधिवन के पेड़, उन्हें देखकर ये लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इस तरह के पेड़ कैसे हो सकते हैं। ये लोग वन को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से इन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है थोड़ी दूर से। वन था, पूरी तरह से अंधेरे में था, वो आवाज का सोर्स ये लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन मन में बहुत जोर की घबराहट आ जाती है। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि हम आगे बढ़े या वापस लौट जाए, उतनी ही देर में इन्हें घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। ये घुंघरुओं की आवाज काफी ज्यादा क्रीपी थी, ये आवाज लिटरली उनके कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई थी। ये लोग अब बहुत बुरा डर जाते हैं और नॉनस्टॉप भागना शुरू कर देते हैं, और सीधे भागते भागते वो लोग किस्मत से दीवार के पास पहुंच जाते हैं और दीवार फांद कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी दीवार फांदने के बाद भी इनका मन शांत नहीं होता। ये लोग सोचते हैं कि यहां पर कहा जाता है कि जो मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, वो जाग उठती हैं। ये लोग मंदिर के पास जाते हैं, कैमरा लगा देते हैं और खिड़की से सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करने लगते हैं। यहां पर मूर्तियां जागती हुई तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की भावनाओं को ठेस जरूर पहुंच जाती है, क्योंकि ये भगवान की प्राइवेसी है। अगर आपकी प्राइवेसी में इस तरह से कोई दखल डाले तो आपको कैसा लगेगा? आप घर पर सो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, वहां पर कोई कैमरा लगा दे तो आपको कैसा लगेगा?
आप आराम से अपने अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और वहां पर कोई सीसीटीवी छुपकर कैमरा लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि भगवान की प्राइवेसी में, देवी देवताओं की प्राइवेसी में आप इस तरह से दखल डालेंगे और आप लोगों को सब कुछ देखने में मिल जाएगा, जैसे भगवान नहीं मजाक हो गए, है ना? फिर क्या था, ये वीडियो यूट्यूब में आया तो सही लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर में आ गया। जितने भी साधु संत, वहां के महात्मा लोग थे, पुजारी लोग थे, काफी सारे लोगों ने इस वीडियो का अपोज किया और फिर आखिरकार इस लड़के के ऊपर FIR हो गई। जल्द से जल्द ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट हो गया। इस वीडियो में वो सब कुछ सबूत थे जो क्लियर क्लियर साबित कर रहे थे कि निधिवन का एरिया किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं है। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर होती रहती है जो इंसानों की सोच से बेहद अलग है। कोई विश्वास माने या ना माने, काफी सारे लोगों की यहां पर समाधि है। जो लोग निधिवन में प्रवेश करने की कोशिश किए थे लेकिन प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाए, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे लोग जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने शायद अंदर कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखने के बाद उनके मन से जीने की चाह ही खत्म हो गई, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई भी देखता है तो भगवान श्री कृष्ण उनको मार देते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सोचना भी पाप है। पहली बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के एक अंश को भी, एक उनके हिरण को भी, उनके पैर की धूल को भी, रियल धूल को भी किसी ने देख लिया ना तो उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और सच बता रहा हूं वो ना चाह कर भी अपने शरीर को त्याग देगा। यही सब कुछ हुआ उन साधु महात्माओं लोगों के साथ, उन भक्तों के साथ जिनकी समाधि आज भी निधिवन के बाहर मौजूद है। संत हरिदास, जो कि एक अलग तरह के संत हुआ करते थे, बहुत महान संत थे, उनको माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपनी आंखों से निधिवन में रासलीला होते हुए देखा था, उन्होंने ही निधिवन की खोज की थी। ये रासलीला अभी से नहीं बल्कि द्वापर युग से चली आ रही है। काफी सारे लोगों ने अंदर जाने की कोशिश किए, जब उनके साथ ये सब कुछ हो गया तो सरकार ने भी रोक लगा दी कि अब अंदर जाओगे तो ये इल्लीगल, बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इन काफी सारे लोग आज भी ऐसे हैं इस दुनिया में मौजूद जो कि चाहते हैं अंदर जाएं, देखें, दुनिया को दिखाएं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये कितना ज्यादा गलत होगा, क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लो ये एक पाप ही होगा। भगवान कभी आप लोगों के सामने नहीं आने वाले और इस तरह से कैमरे के सामने तो इम्पॉसिबल है भाई, आ ही नहीं। इन तीनों लड़कों का मकसद निधिवन को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ रंग महल को एक्सप्लोर करना भी था, जहां पर माना जाता है कि रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं। इन्होंने अपने मकसद को पूरा तो कर लिया लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना भी उन लोगों ने कभी नहीं किए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जो आज मैंने बताने की कोशिश किया होगा समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया है अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।